रेल गरिया से नमस्कार, मैं हूं शशि प्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरी। दरअसल चला ना रेलगरिया से, ये उस गाने की कुछ लाइंस हैं जो खेसारी लाल यादव ने बाबा भोले के प्यार में गाए हैं। खेसारी लाल यादव बाबा भोले के अनन्य भक्त हैं, बाबा के भक्तों की कोई कमी नहीं है, बाबा तो बस भोलेनाथ हैं, जैसे पुकारो चले आते हैं। कहते हैं कि बाबा के यहाँ खाली हाथ जाओ, झोली भरकर वापस आ जाओ। तो खेसारी लाल यादव इसी कड़ी में बाबा भोले की तमाम जो आशीर्वाद है वो लेना चाहते हैं, तमाम महिमा को लेकर लाभान्वित होना चाहते हैं। खेसारी लाल यादव कैसे बाबा को लेकर अपने गाने गा चुके हैं और उन गानों में उन्होंने खूब सारे व्यूज बटोरे हैं। इसी में से एक गाना है चला ना रेलगरिया से। बाबा के यहाँ जाने के लिए भक्तों को कैसे जाना होता है ये हम आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। तो चलिए देखिए ये रिपोर्ट। आराधना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ऐसे में हमारे सुपरस्टार्स पीछे रहे ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कतई भी नहीं हो सकता। तो इसी कड़ी में खेसारी लाल यादव पहले से ही तैयारी कर चुके थे। पहले भी हमने आपको दिखाया कि शुरुआती दौर में कैसे उन्होंने एक से एक गाने बजाए और गाने गाए भी, और उन गानों में गेरुआ रंग के सारी, इसके अलावा और भी कई गाने थे जो हमने आपको दिखाए, जिन्होंने यूट्यूब पर मचा दिया था धमाल। एक बार फिर से एक और गाना आया है खेसारी लाल यादव का, जिसने यूट्यूब पर वो बवाल मचाया है जिसे सुनना हर कोई चाहता है। जी हाँ, बोलबम जाने का वक्त है, और ऐसे में जब लोग बोलबम जाते हैं तो पूरी मस्ती में होते हैं और रमे होते हैं भगवान की आराधना में। अगर गाना मिल जाए तो वो जो सफर है इतना दूर का, वो जो लंबी यात्रा होती है, वो यात्रा थोड़ी सी कम सी लगने लगती है। हालांकि दूरी तो कम नहीं होती, लेकिन थकान जरूर कम हो जाता है। तो बोल बम जाते समय जिस जिस चीज का प्रयोग होता है, उन तमाम चीजों को गाने में सम्मिलित कर रहे हैं ये भोजपुरी स्टार। भोजपुरिया जगत कभी भी कोई भी मौका को छोड़ना नहीं चाहता, तो भला सावन का महीना हो और बाबा का दिन, इसे कैसे भूल सकते हैं। तो इसी कड़ी में खेसारी लाल यादव का ये गाना आया है चला ना रेलगरिया से। अगर आप रेलगाड़ी से जाएंगे तो बाबा के यहाँ पहुँचने की दूरी बड़ी कम हो जाएगी। कहते हैं कि अगर दिल में मिलन की बड़ी चाह हो तो जल्दी से जल्दी भक्त पहुँचना चाहता है। तो जो भक्त जल्दी से पहुँचना चाहता है और रेलगाड़ी से जाना चाहता है, तो उसके लिए ये खेसारी लाल का गाना टॉप का है। यकीन मानिए, इस गाने को सुनकर दिल झूम उठेगा और बाबा के यहाँ आप दौरे चले जाएंगे। देश भर में सावन शिवरात्रि की धूम है। इस मौके पर जगह जगह तमाम जगहों पर बाबा के भक्त देखे जा रहे हैं, कांवरिए झूमते हुए ढोल नगारों के साथ बड़े बड़े ट्रकों में, या फिर जैसे जिसे मिल रहा है वो निकल पड़ा है बाबा के द्वार जाने को। इसी कड़ी में खेसारी लाल यादव भक्तिभाव से ओतप्रोत होकर भोजपुरी गाने की धूम मचा दी है। ये गाना है चला ना रेलगरिया से। सड़कों पर भोजपुरी के सावन गीत छाए हुए हैं। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने एक्टर खेसारी लाल यादव, पवन सिंह सहित कई सितारों के गाने भक्तों की जुबान पर हैं। और एक बार फिर से एक और गाना चला ना रेलगरिया से। खेसारी लाल यादव का ये सॉन्ग हुआ है सुपर डुपर हिट। भोजपुरी सिनेमा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता, जैसा कि हमने आपको बताया। अब बाबा के वक्त की बारी है, बाबा को जल चढ़ाने की बारी है, तो फिर ये मौका कैसे छोड़ दें। लाखों लाखों व्यूज बटोर चुका है ये गाना चला ना रेलगरिया से। अरे भैया, अगर बहुत देर हो रही है तो रेलगाड़ी से चल पड़ते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। हम आपको बता दें कि जब सुल्तानगंज से जल लेकर कांवरिया चलते हैं तो वहां से बाबा मंदिर की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, और उस दूरी को तय करने के लिए लोग नंगे पाँव चलते हैं और बाबा के गाने गाते हुए चलते हैं। और ऐसे में अगर खेसारी लाल यादव का चला ना रेलगरिया से गाना हो या फिर गेरुआ रंग का, ये तमाम गाने अगर मिल जाए तो पूरी मस्ती और बढ़ जाए। नाचते झूमते कांवरियों को जब आप देखेंगे तो ये मनोरम दृश्य आपको आह्लादित कर देगा, भक्ति भाव से भर देगा। दरअसल इस वक्त सावन का महीना है, और उस रास्ते पर सुल्तानगंज के बाद जो रास्ता आता है, उस रास्ते पर जब आप जाएंगे तो अंधेरा घना जंगल है। रात में अंधेरा ज़रूर होता है तो लोग टॉर्च भी ले जाते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो सुबह की खूबसूरती आप देखकर चकाचौंध हो जाएंगे। दरअसल सुबह की जो खूबसूरती होती है वो
चिड़ियों की चहचहाट के साथ हरियाली के बीच होती है और इस हरियाली को देखकर सभी का दिल बाग बाग हो जाता है। और ऐसे में अगर सुपरस्टार्स के गाने भी साथ हो जाएं तो फिर बाबा ही बाबा चारों तरफ नजर आए। वैसे कहते हैं कि भोले बाबा अपने दर्शकों को साक्षात दर्शन देते हैं और ये भी सुनने को मिला है किंवदंतियों में कि बाबा के दर पे जो भक्त जाते हैं और जब से जल उठा लेते हैं तब से लेकर बाबा मंदिर तक पहुंचने तक बाबा हर एक चीज का ख्याल रखते हैं अपने भक्तों की, किसी न किसी रूप में आकर भक्तों की मदद करते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर करें बाबा की आराधना। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने खेसारी लाल यादव हैं और बाबा भोले की महिमा तो अपरंपार है ही। जैसे सारे स्टार्स पर बाबा भोले अपनी महिमा की बौछार कर रहे हैं, चलिए आप भी तैयार हो जाइए और बाबा के उन गीतों को गाइए हमारे साथ मिलकर जो है बाबा की भक्ति से भरा हुआ, और भक्ति भाव में झूमने लगिए क्योंकि है बाबा का वक्त। और बस यही कहिए, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा ही तो सहारा है, बाबा के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं। बस एक वही निरंकार है और वही आदि है, वही अनंत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, न हम न आप, बस एक है। तो बस वही आदि अनंत शिव, और उसी शिव की चलिए हम सब मिलकर करते हैं नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया के साथ आराधना। नमस्कार।